प्रदीप, कब से पूछ रही हूँ मैं, शिवन्या कहाँ है? माँ वो शायद चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? ऐसे कैसे चली गई? अरे पत्नी है वो तेरी? आप जब आप चाहती थी वो हो गया माँ। आप मेरे 25 साल पूरे होने से पहले मेरी शादी कराना चाहती थी ना, तो आपने करा दी, शिवन्या ने कर ली। अब इसका मतलब ये तो नहीं शिवन्या जबरदस्ती रहे यहाँ इस शादी में बंध के। अगर यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी वो? तेरी पत्नी है वो, तुम दोनों की शादी हुई है, ऐसे कैसे वो तेरे? Which is right. Happy birthday. Yeah! Happy birthday to you. उठने से कहाँ पर चलते हैं? हाँ मैं इधर ही थी। हाँ वो आती है। हाँ मोनी आ जाओ। मैं क्रॉस करता हूँ। बैठे हैं। हाँ केक दे दो। Happy birthday.
के चलिए ना। हाँ रुको एक मिनट, फोटो खींचता फोटो खींचता। जा बेटा भाभी थोड़ा सा और पास, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा। हां कट इट। अंगद आने से मोनिया आने से यहां अगर वही अंगद को पकड़ना। अंगद आना एक बार, उसने तन्वी बोला था, बोला अंगद आ गया। मैं मामा कहां पे खड़ी है? ठीक है यहां खड़ी है। टेबल थोड़ा आगे ले। नहीं उनको देखा नहीं ना। सेम कहां से? आप भी शायद ये भी लास्ट मोनिया आएंगे ना, चला जाएगा सर। ये लास्ट अंगद है? नहीं ये अंगद है, उसने बोला तन्वी। तन्वी थोड़ा पास, थोड़ा सा तन्वी से मेरी खुशियां उजाड़ के अपनी खुशियां मना रहे हो यहाँ, और आंटी आप अपनी बेटी की शादी रचा के पार्टी मना रही है। चल के आने से अरुण अंगद नहीं है, आंटी भी नहीं है। रोलिंग वाह आंटी है। रोलिंग एक्शन। मेरी खुशियां उजाड़ के यहाँ खुद की खुशियां मना रहे हो, और आंटी आप अपने बेटे की शादी रचा के ये पार्टियां मना रही हैं, केक खा रही हैं। मानना पड़ेगा आंटी, आप जैसी दिखती हैं ना वैसी बिल्कुल है नहीं। क्या खेल खेला है आपने, और क्या चाल चली है लास्ट मौके पे मुझे रास्ते से हटा के इस नौकरानी को घर की बहू बना दिया। ये क्या अनाप सुना बकी जा रही हो तो? हाँ इस शादी को खेल तुमने। तन्वी आ जाओ, तन्वी आ जाओ। सालर रोलिंग एक्शन। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? शादी को खेल तो तुमने। बस करो भाभी, खेल तो आपने खेला है मेरी बेटी के साथ। अरे मुझे थोड़ी ना पता था आपको इतने अच्छे से गेम खेलना। रम्या ये क्या बोल रही हो तुम? ओ कम ऑन आंटी, आप कब तक छिपाएंगी? आपने खुद मुझसे कहा था कि मैं ऋतिक से शादी ना करूं। मैंने कब कहा और मैं मना क्यों करूंगी? वाह क्या ड्रामा है आंटी, अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। वैसे कितने चेहरे हैं आपके? यू आर ए चीटर, धोखेबाज, यू आर ए लायर। चुप, एकदम चुप। अपनी शादी से भाग कर गई थी तुम, और अब इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। हाँ कितना पसंद करती थी मैं तुम्हें, हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी ऋतिक से हो, लेकिन एन वक्त पर शादी से भाग गई थी तुम। अगर शिवन्या आगे आकर ऋतिक से शादी नहीं करती तो अनर्थ हो जाता। एक तो तुम शादी छोड़कर भागती हो, और ऊपर से ये झूठ। सॉरी मैं बोला हो गया, आप बोलिए। एक्शन। एक तो तुम ये शादी छोड़कर भागती हो, और ऊपर से ये झूठ। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही भाभी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ रम्या? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तन्वी थोड़ा राइट यहां पे। हां बस कर ठीक में। रोल रोलिंग सर, क्यों चाहिए रोलिंग एक्शन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं रम्या? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। यू मेट, तू मेरी जगह तन्वी माथे की जगह लेना चाहती हो तुम? नहीं होगा ऐसा। नहीं मानती मैं शादी को, नहीं मानती मैं इस शादी को, नहीं मानती कि तुम इस घर की बहू।
you're a maid, तो maid ही रहो. Got it? Got it? Ritik, Chandani, stop it. मेरी पत्नी है शिवन्या, और कोई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करे मुझे पसंद नहीं है. तुम शिवन्या से अभी क्या माफी मांगो? तन्वी, वाह ऋतिक वाह, और मेरी खुशियां उजाड़ के यहाँ पार्टी बना रहे हो. पर आंटी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी. मानना पड़ेगा आपको, क्या शातिर निकली आप, क्या चाल चली लास्ट मौके पे आपने. रास्ते से मुझे हटा दिया और इस नौकरानी को घर की बहू बना के ले आई आप. माँ ने बोला क्या बकवास करी तन्वी, तुम कुछ भी बोले जा रही हो. खेल आपने खेला है भाभी मेरी बेटी के साथ, मुझे तो पता नहीं तुम इतनी बड़ी खिलाड़ी हो. ये तुम क्या बोल रहे हो अनाप शनाप. ओ कम ऑन आंटी, आप कब तक छुपाओगी आप ये सब. हाँ, आपने मुझसे कहा था कि मैं ऋतिक से शादी ना करूं. माने बोला मैंने, तने मैंने तुझसे कब कहा कि तुम ऋतिक से शादी मत करो. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा तुमसे. क्या ड्रामा करती हो आंटी आप, क्या ड्रामा, कमाल की एक्टिंग है आपकी. आप ना एक नंबर की धोखेबाज हो, लायर हो, लायर. थप्पड़ मारा माने, चुप कर एकदम चुप. तो खुद शादी से भाग गई और इल्जाम उस पे लगा रही है. अरे मैं तो खुद तुझे पसंद करती थी, हमेशा चाहती थी कि ऋतिक की शादी तुझसे हो, लेकिन एक मौके पर तू भाग गई शादी से. और ये शिवन्या, अगर शिवन्या आगे आके मेरे बेटे का हाथ ना थामती ना तो अनर्थ हो जाता, समझी. पहले खुद भाग गई और इतना बड़ा झूठ मुझ पर डाल रही है. और मैंने बोला मेरी बेटी झूठ नहीं बोली तो क्या मैं बोल रही हूँ झूठ. तन्वी गई थी शिवन्या के पास, ये सब तेरी वजह से हो रहा है यू मेड. तू मेरी जगह लेना चाहती है ना, वो कभी नहीं होगा. नेवर एवर, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, समझी तू. तू एक नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी. यू गॉट इट. ऋतिक ने बोला चुप कर तन्वी, कैसे बात करे तू मेरी पत्नी से. अभी की अभी शिवन्या से माफी मांग, नहीं तो देखा उसकी आंखों से पानी आ गए. ऋतिक तू मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो. और वो भाग गई गुस्से में. शिवन्या को भी देखा, भाभी को बुरा लगा. इस सीन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि बहू घर आ गई है तो बहुत ही हम लोग बहुत ही खुश हैं. प्लस ऋतिक का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. पर उस वक्त तन्वी आ जाती है जिसे ऋतिक की शादी होनी थी, पर वो शादी छोड़कर भाग जाती है. अब वो आकर शिवन्या को कुछ गलत सुनाती है जो हमें अच्छा नहीं लगता. मैम अभी फिलहाल इस सीन में हमने ये देखा कि कुछ ज़्यादा टेंशन वाला माहौल है. अब नागिन है तो टेंशन होगा ही, मतलब हमारे हर सीन में कोई ना कोई टेंशन हम क्रिएट करते ही है जो ऑडियंस को बहुत बेहद पसंद आ रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ द यूएसपी ऑफ नागिन. मैम हमने चांदनी, मैम इस बर्थडे के बारे में बर्थडे हम मतलब बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे. बहुत ही इंसिडेंटल एक कोइंसिडेंस है क्योंकि सीन में बर्थडे इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम ये सोचते हैं कि शिवन्या घर से भाग गई है बट वो ऋतिक के लिए बर्थडे केक बना रही है. तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, बहुत ही क्यूट मोमेंट है. मैम जैसे कि हमने देखा कि ये मैम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है सबके, इनके बारे में. मैम के बारे में, शी इज़ अमेजिंग पर्सन. As far as I know her, in our first time getting interacted with her, so she's amazing on the set, amazing as an actor, and superb. She's an inspiration for me completely. Whenever she performs, I was like, with my open wide mouth, I'm like looking at her, staring at her, and she's like, okay. So, but yeah, I love her, and I love her. That's all I can say. Thank you. Welcome. Thank you, dear. Thank you so much. First India is TV channel ke 2 saal complete ho gaye hain. Acha, ready?